अस्सलाम फ्रेंड्स, हेलो नमस्ते, कैसे आप लोग? नाम से है, आप देख रहे हैं डिस्को रिएक्शन चैनल 2.0। बहुत ज्यादा स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। फिर से जो लोग रोजाना वीडियो देखते हैं, बहुत ज्यादा धन्यवाद शुक्रिया। प्लीज चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं, वीडियो का नाम है व्हाई इंडियंस आर अहेड, मतलब कि क्यों इंडिया इतने इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तानियों से इतने ज्यादा आगे हैं, और पाकिस्तानियों को क्या सीखना चाहिए इंडियंस से, वो देखेंगे हम इस वीडियो में एक पाकिस्तानी की जुबानी। प्लीज वीडियो का एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर विजिट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं आज। हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, अब मैं कुछ कंपनीज के नाम लूंगा, आपने मुझे ये बताना है कि इनमें कॉमन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं किंग ऑफ सॉफ्टवेयर की, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। दूसरे नंबर पर वो कंपनी है विच मेक्स अस ट्वीट, यानी कि ट्विटर। तीसरे नंबर पर है किंग ऑफ कंप्यूटिंग, यानी कि IBM। चौथे नंबर पर है गोल्ड स्टैंडर्ड इन ऑनलाइन सर्च, एंड दैट इज गूगल। और पांचवें नंबर पर है किंग ऑफ कंटेंट एंड मल्टीमीडिया, यानी कि एडोबी। अब आप ये सोचें कि इन पांच कंपनियों में एक चीज कॉमन है। टेक्नोलॉजी कंपनीज तो ये हैं, लेकिन एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है। इसके बारे में सोचिए और हम लोग वापस आते हैं। सीईओ कौन कौन से होगा? वो अजीज आने मन, अब तक तो आप इस सवाल का जवाब सोच चुके होंगे। एनीवेज, लेट मी टेल यू द आंसर। जवाब इसका यह है कि इन सब कंपनीज के सीईओस का ताल्लुक इंडिया से है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई इंडिया से है, ट्विटर के सीईओ पारक अग्रवाल का ताल्लुक भी इंडिया से है, इसी तरह IBM के सीईओ अरविंद कृष्णा, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का भी ताल्लुक इंडिया से है। अब नेचुरली सवाल ये बनता है कि आखिर वो क्या वजह है कि दुनिया की टॉप कंपनीज इंडियन एम्प्लॉयज को पसंद करती हैं, और इनफैक्ट ना सिर्फ पसंद बल्कि अपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज इनके हाथ में थमा देती हैं कि चलाओ इसको। दोस्तों, आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इंडियंस के पास आखिर वो क्या स्किल्स हैं जिसकी वजह से दे आर लीडिंग द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी आज की गपशप को स्टार्ट करें, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये जो आपका चैनल है ना बुक बडी, इसमें आपने कभी भी मुझसे हेट्रेड, रेटरिक, प्रोपेगेंडा या बयानबाजी नहीं सुनी होगी। उसकी वजह यह है कि मेरी जिंदगी का एक फलसफा है कि कोई भी शख्स हो, उससे आपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, उसकी पॉजिटिव आदतें, पॉजिटिव चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लेनी है और नेगेटिव बातों को फिल्टर कर लेना है। देखिए, इंडिया के साथ हमारा जो भी कॉन्फ्लिक्ट है पॉलिटिकल लेवल पर, लेट इट बी, हमने हमेशा ऑब्जेक्टिव बात करनी है। और ख़ास तौर पर इंडिया क्योंकि हमारा नेबर है, उसके साइकोग्राफिक्स और डेमोग्राफिक्स हमसे बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, लिहाजा हमें उनसे सीखने की भी ज़रूरत है। इसी तरह वो भी हमसे सीख सकते हैं जो भी हम में बेहतर चीज़ें हैं। देखें, ये टॉपिक इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल की दुनिया में, आजकल की इकोनॉमी में जो मॉडर्न वॉरफेयर है, वो आपके टैंक्स, गन्स और बुलेट्स नहीं हैं, बल्कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स है। अगर आपके मुल्क की आवाम क्वालिफाइड होगी, कॉम्पिटेंट होगी, टेक्निकली साउंड होगी, तो आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और दुनिया की टॉप नेशंस में आपका शुमार होगा। So it is absolutely indispensable to appraise your human resource. Anyways, coming back to the topic. देखें जी, सबसे पहली reason जिसकी वजह से Indian community is so sought after abroad is their education. एक चीज जिसमें इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है वो है उनकी तालीम। स्पेशली जो उनकी मिडिल क्लास है वो तो नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। इसमें बहुत बड़ा हाथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है, which is brilliant in many ways. Institutions like Indian Institute of Technology are second to none. यहाँ के graduates की मांग पूरी दुनिया में है, and it constantly runs among the top education institutes of the world. बेहतरीन बात यह है कि इंडिया की सरकार ने IIT जैसे तालीमी इदारों को institutes of national importance का दर्जा दिया है। यही वजह है कि IIT का ठप्पा is a sure shot guarantee of success. कहने को तो पाकिस्तान में भी बहुत से technology institutes हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की IT एक्सपोर्ट्स आर टचिंग $200 बिलियन, जबकि पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स स्टैंड एट अ मीगर $2 to $3 बिलियन। आखिर इसकी वजह क्या है? दोस्तों, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसको आपने बहुत गौर से सुनना है। इन द ईयर 1991 इंडिया की सरकार ने अपनी इकोनॉमी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। इसको वो लोग कहते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसके तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सबसे पहला था लिबरलाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। इसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए खुल गई,
वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई। बाहर की कंपनीज ने वहां पर अपने रीजनल ऑफिसेज सेटअप करने शुरू कर दिए। इंडिया की ह्यूमन रिसोर्स को बाहर हायर करना शुरू कर दिया। बेंगलुरु इंडिया का आईटी हब बन गया एंड इट इवेंचुअली बिकेम द सेकंड सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में कोई स्टेट पॉलिसी ही नहीं है और ना कोई फोकस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर। हमारी जो मिडिल क्लास है वो सारी उम्र अपनी सारी तनख्वाह अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाती है और वो बच्चे इवेंचुअली अपने ही दम पर सेल्फ मेड बेसिस पर अपनी जगह दुनिया में बनाते हैं। स्टेट से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती और नतीजा आपके सामने है। कहाँ $200 बिलियन और कहाँ $2 बिलियन। अब दोस्तों ये तो बात हो गई एजुकेशन की, अब बात करते हैं काम की। तो काम के हवाले से भी इंडियंस का कोई सानी नहीं। एक तो ये कि इनकी लॉयल्टी नेक्स्ट लेवल होती है। यही वजह है कि जब लीडरशिप की बात आती है तो इंडियंस राइज टू द टॉप। अरविंद कृष्णा ने 30 साल सर्व किया बिफोर ही बिकेम द सीईओ ऑफ आईबीएम। इसी तरह सत्या नडेला ने 22 साल माइक्रोसॉफ्ट में काम किया बिफोर ही रोज टू बिकम द सीईओ। इसी तरह सुंदर पिचई ने 11 साल काम किया बिफोर ही बिकेम द सीईओ ऑफ गूगल। इंदिरा नौई ने 12 साल पेप्सी में काम किया बिफोर शी बिकेम द सीईओ ऑफ पेप्सी। दैट्स व्हाई देयर लॉयल्टी इज रिवॉर्डेड। लॉयल्टी के अलावा इंडियंस का काम करने का स्टाइल भी कमाल है। दे गिव 100% सेटिस्फैक्शन टू देयर एम्प्लॉयर्स। वो बहुत ही डिलिजेंट और हार्ड वर्किंग होते हैं जिसकी वजह से जब भी हायरिंग की बात आती है तो ये कंपनीज इंडियंस को प्रेफर करते हैं। विज़वी अगर हम पाकिस्तानीज की बात करें तो हमारे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नखरे होते हैं। आई एम नॉट गिविंग अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, हम दोनों नेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे थोड़े बहुत नखरे हैं। हमें अच्छा रूम चाहिए, हमें अच्छी गाड़ी चाहिए और हमें अच्छी कोठी चाहिए, जबकि इंडियंस आर वेरी फ्रूगल जिसकी वजह से वो किसी भी माहौल में अडैप्ट कर जाते हैं एंड हेंस दे बिकम द प्रेफर्ड चॉइस फॉर एम्प्लॉयमेंट। एक और बहुत ही बड़ी वजह है इंडियंस को प्रेफरेंस देने की और वो है इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इंडियंस आर एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स। अब अगेन सवाल ये आता है कि इनके अंदर ये ट्रेट आती कहाँ से है। तो दोस्तों होता यह है कि इंडिया वाकई में बहुत ही मुश्किल कंट्री है। गुर्बत तो है लेकिन जो इनकी मिडिल क्लास है ना वो बहुत ही थ्राइविंग है, बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही एंटरप्राइजिंग है। वो इसी माहौल से उठ के अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं, दुनिया में अपना नाम बनाते हैं और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने के बावजूद दे एक्सेल। यही वजह है कि जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है इन टेक कंपनीज में तो इंडियंस आर ऑलवेज प्रेफर्ड। इंडियंस आर इंडीड वेरी रिसोर्सफुल। पजल को सॉल्व करने का आर्ट उनको बखूबी आता है। यहाँ पर मुझे एक वाकया याद आ रहा है अपने एक दोस्त का। वो अपनी मदर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया लेकर गया। जब वो न्यू दिल्ली पहुंचा अपनी अम्मी का लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए तो वहां पर और भी बहुत से लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हम लोग इंडिया इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं होते, यहाँ पर आर्टिस्ट होते हैं। इन डॉक्टर्स की उंगलियां आर्टिस्ट की तरह चलती हैं जिसकी वजह से दे आर द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। सो ऑल इन ऑल इंडियंस आर वेरी स्किल्ड इन देयर प्रोफेशन। एक और बहुत बड़ी वजह है इनके एक्सेल करने की और वो है देयर कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। दे लर्न इंग्लिश वेरी अर्ली एंड वेरी क्विकली इन लाइफ जिसकी वजह से बाय द टाइम इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट दे आर सो एक्सपर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट दे बिकम द नेचुरल चॉइस फॉर एम्प्लॉयमेंट। So good education, adaptability, resourcefulness, loyalty, and good command over language are some of the elements which make Indians stand apart. इसके अलावा अगर entrepreneurial spirit की बात करें तो उसमें भी Indians का कोई सानी नहीं। इसके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त किताब लिखी जा चुकी है जिसका नाम है जुगाड़, which talks about Indian entrepreneurial spirit. इसके अलावा Indian society में entrepreneurs को एक superstar का status भी दिया जा चुका है। आप अनुपम मित्तल की बात करें, क्रेड के जो फाउंडर हैं कुणाल शाह उनकी बात करें, अंकुर वारिको की बात करें, अंबानीज की बात करें, विजय शंकर शर्मा की बात करें, ऑल ऑफ दीज आर आइडियलाइज्ड इन देयर सोसाइटी जिसकी वजह से जब एक इंडियन बड़ा हो रहा होता है तो उसके पास एक बेंचमार्क फिगर होता है, एक इंस्पिरेशन होती है जिसको फॉलो करके वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकता है। दिस ओनली हैपेंस व्हेन द सोसाइटी कलेक्टिवली गिव्स रिप्यूट एंड रिस्पेक्ट टू दीज एंटरप्रेन्योर्स, पीपल हु आर लर्नड, people who are educated and people who have done good with their life. dekhen dosto isme hum pakistanis ke liye learning ye hai ki instead of being jealous with our indian counterparts we should look to learn from them and adopt their positive attributes. dekhiye aaj kal ki duniya jung ki nahi hai, bomb barood ki nahi hai, balki aaj kal jung hai talent ki aur quality human resource ki.
जो ये टैलेंट की जंग जीत जाएगा वो अपने मुल्क को प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर लगा देगा। इसमें एक बात याद रखें कि आपने अपनी गवर्नमेंट और सरकार पर डिपेंडेंट नहीं होना कि वो अब आईटी की पॉलिसी बनाएगी, ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी बनाएगी, हमें सब्सिडी देगी, हमारे लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाएगी। आपने अपने दम पर, अपने जोरे बाजू पर इंडियंस को कॉम्पिटिशन देना है और फिर देखते हैं कि रेस में कौन आगे जाता है। आखिर में अपने पाकिस्तानियों को मोटिवेट करने के लिए मैं इकबाल साहब का एक बहुत ही खूब शेर सुनाना चाहता हूँ, विच मोटिवेट्स मी एवरी डे। इट गोज लाइक दिस, उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ को मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। ये थी आज की वीडियो और बहुत लॉजिक वाली इन्होंने बातें की, बहुत ही अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी बातें इन्होंने की हैं। सच्ची में इन्होंने जो भी बातें की हैं 100% बिल्कुल ठीक इन्होंने बातें की हैं कि क्यों इंडियंस हमसे इतने ज़्यादा आगे हैं, क्यों वो हमसे इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। सच्ची में वो उनकी एजुकेशन सबसे पहला पहली बात ही एजुकेशन की है कि उनका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बनी है। एजुकेशन सिस्टम जब आपका अच्छा होगा ना तो आपकी बेस अच्छी बनी होगी, तो आपको बाहर की मुल्क में भी आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, आपको जॉब्स वगैरह जो होती है ना उसकी ऑफ़र की जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पर आपको पता है, जैसे हम बताते ही रहते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल घटिया नकारा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी बुक्स हमारे मतलब काफी बड़े बहन भाइयों ने पढ़ी थी, अभी भी वही बुक्स चलती आ रही हैं। अगर ये चेंजिंग्स की जाए, जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अगर चेंजिंग्स, ये बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, बच्चों को हर चीज के बारे में बताएं, तो फिर बच्चों का भी दिमाग कितना खुलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और एक चीज इनकी बहुत ही अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि इंडिया से जेलस नहीं होना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए अगर आप में किसी चीज की कमी है कि यार इस चीज में वो किस तरह से आगे, इस तरह से हमसे पहुंच गया, तो हमें भी देखना चाहिए उन चीजों को। तो टेक्नोलॉजी में तो ये मानना ही पड़ेगा जो बेंगलुरु है और इंडियन जो है ना, बहुत ही ज्यादा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसे बहुत दुनिया भर में माना जाता है। बिल्कुल, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी जाती, ना ही हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज इतनी अच्छी है, ना हमारे उस्ताज़ा इतने अच्छे होते हैं कि उनको वो हमें इस काबिल बना सके कि हम भी इंटरनेशनल लेवल पे जाके स्टूडेंट्स का मुकाबला कर पाए। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो जब यहाँ से पढ़ाई लिखाई करके तो दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, तो उनको एक न्यू सिरे से सब कुछ सीखना पड़ता है, सब कुछ उनके लिए न्यू हो जाता है। वो बोलते हैं हमें तो ये नहीं था सिखाया गया, ये क्या चीज़ है। मेन चीज़ है ना, देखिए मेन चीज़ होती है कोर्स जो जिसे वो पढ़ते हैं, अगर वो ही नहीं न्यू होगा ना, तो फिर उससे अगर जो आज से 20 साल पहले का, अब आप इस दौर में अगर वो कोर्स पढ़ेंगे तो आपको, अब तो आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी की कितनी ज़्यादा आगे जा चुकी है और कितना कुछ अब दुनिया में न्यू हो चुका है, तो अभी मुझे लगता है कोर्स बदलने की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। और मैं बोल रही हूँ कि बाहर की जब कंट्रीज में जाते हैं वहाँ पर जाके न्यू कोर्स जब उनके लिए होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इस चीज़ में कि ये कौन सी, अभी तो हमने जो पढ़ा था ये तो बिल्कुल उससे ज़्यादा डिफरेंट है, फिर उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर वही चीज़ें हमारे कंट्री में बच्चों को सिखाई जाए, पढ़ाई जाए, तो बाहर अगर वो कभी पढ़ने जाएंगे तो उनको कभी भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। कोर्स होंगे ना तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है बच्चे बिल्कुल भी अच्छा से अच्छा पढ़ेंगे और आगे जाएंगे। और उस्ताज़ा की बात करें तो देखें कि जब कोर्स अच्छे होंगे तो उस्ताज़ा तो वो तो अपनी मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं अगले बच्चों को, लेकिन वो कोर्स पढ़ाने होते हैं तो फिर इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है परेशानी आती है। तो लॉयल्टी की इन्होंने बात की कि इंडियन जो होते हैं ना ईमानदार बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसा कि उन्होंने मिसालें भी दी हैं, सीईओ जो कि 22 साल को 30 साल को 12 साल से वहाँ पे लगा, उन्होंने अपनी ईमानदारी जाहिर की है, फिर ही तो उनको एक सीईओ बनाया गया। ये तो नहीं कि जाते टाइम ही उनको सीईओ स्पेंड किया, उन्होंने टाइम दिया है, फिर ही उनको इस काबिल समझा गया है कि उनको सीईओ बनाया जाए। तो पूरी दुनिया में इंडियंस इसी वजह से मशहूर है। सच्ची में ईमानदारी की अगर लिहाज से बात की जाए ना, फर्ज करें एक इंडियन है कोई, वो काम करता है आईटी में ही, फर्ज करें मुझे आप, वो अपना 100% देगा, चाहे उसको जितनी भी सैलरी मिलती है ना, उसका यही होता है कि मैं अपने जो भी है, मैं कोई मतलब हमारे तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो हमने फर्ज करें कोई काम कर, हम उसमें ना थोड़ी बहुत सुस्ती काली का मुजाहरा कर देते हैं कि यार आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, इस तरह से कर देते हैं। लेकिन इंडियंस जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार अपने काम के साथ, होता है कुछ भी हो जाए ये काम है इसको कंप्लीट करके ही रहना, ये चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाने में मदद करती हैं। वीडियो काफ़ी अच्छी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है कौन वीडियो।